YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। खिलाफ चलाए गए विशेष जांच अभियान में आज पलामू डीटीओ जयदीप तिग्गा ने हुसैनाबाद में 16 वाहनों को जब्त किया। कहा कि आने वाले दिनों में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले दोपहिया वाहन चालकों की खबर भी ली जाएगी। बिना कागजातों व हेलमेट वाहन चलाने वालों को दंडित किया जाएगा। कहा सड़क हादसे में कमी करने और सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। डीटीओ श्री तिग्गा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए परिवहन विभाग मुस्तैदी से काम कर रही है। वाहनों की जांच अभियान में और तेजी ला जाएगी। रोड का जांच किया गया। विगत दिनों में एक्सीडेंट जो होते हैं यहाँ रोड का, उसका भी जांच किया जाएगा। जैसे लोग हेलमेट पहन के बिना हेलमेट का चलाते हैं, ट्रिपल लाइट चलाते हैं, इस पर भी एक अभियान चलाया जाएगा। और इस क्षेत्र में खासकर मेदिनीनगर, छतरपुर, हुसैनाबाद एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही है, उसे भी कम करना हमारा लक्ष्य है। इसको देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और थाने स्तर पे भी चेकिंग चलाया जाएगा जिससे पब्लिक में जागरूक हो। दोनों को जोड़ दीजिए सर, हो गया क्या? चलाया गया था, मैं एसीओ साहब, बीएसपी साहब और मैं खुद था। यहाँ तीन थाना में, हुसैनाबाद थाना हो गया, गंगवार थाना हो गया और कंपंगा हो गया। तो टोटल 16 हाईवा हमने हम लोगों ने मिलकर जब्त किया, जिसमें सभी ओवरलोड पाया गया और कुछ हाईवा में पेपर भी परमिट भी नहीं था।